उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने को लेकर दायर केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कोर्ट ने केंद्र को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बारे में सोचने को कहा है। कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल को रोक लगाई थी। भाजपा संसदीय दल की आज बैठक हुई। बैठक में जनसंघ संस्थापक बलराज मधोक को याद किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। बैठक के बाद पार्टी नेता राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि अगुस्ता मामले पर लोकसभा में 6 मई को और राज्यसभा में 4 मई को चर्चा होगी। MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा NEET पर जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देश भर के प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS के लिए नीट के तहत परीक्षा किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव की मांग को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कई अन्य राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी बेकाबू आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। केंद्रीय मदद और सेना, वायुसेना, NDRF और वन विभाग के कर्मचारियों, राज्य पुलिस के संयुक्त प्रयास से आग पर हालात अब काबू में हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली राजधानी क्षेत्र में डीजल टैक्सी को बैन करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टैक्सी ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। दिल्ली में कई जगहों पर आज भी ट्रैफिक जाम की खबरें हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल भी विरोध प्रदर्शन के चलते आम लोगों को दिल्ली में कई जगह ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था। कैबिनेट सचिव ने सूखे से निपट रहे राज्यों को अतिरिक्त धन जारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों और मंत्रालयों के सचिवों की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। सभी मंत्रालयों से एकीकृत होकर समन्वित कार्य योजना पर स्थिति से निपटने और वर्षा के जल का संचय करने का भी आह्वान किया गया है। बैंकों के 9000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सदन की आचार समिति ने पहले ही माल्या की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। विजय माल्या से जवाब भी मांगा गया था। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख SP त्यागी से आज भी पूछताछ जारी है। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर बुधवार को सदन में देंगे इस पूरे मामले की जानकारी। इतालवी मरीन मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार को मान्यता दी है। आदेश के मुताबिक भारत ले सकता है जमानत पर फैसला। न्यायाधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इतालवी नाविकों को स्वदेश लौटने की दी इजाजत। कहा, न्याय प्रक्रिया में जरूरत पड़ने पर लौटना होगा भारत। देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी। दिल्ली में कल का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। पारा 45 डिग्री के पार। तेलंगाना में भी गर्मी से राहत नहीं। मरने वालों की संख्या 178 तक पहुंची। इराक के दक्षिण बगदाद में शिया श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर किए गए एक कार बम हमले में कम से कम 14 व्यक्तियों की मौत, 41 अन्य घायल। पीड़ितों में कई महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल। इस विस्फोट की अभी तक किसी ने नहीं ली है जिम्मेदारी। ब्राजील में एक जज ने व्हाट्सएप पर लगाई 72 घंटे के लिए पाबंदी। दरअसल व्हाट्सएप के मालिक फेसबुक एक आपराधिक मामले से जुड़ी जानकारी अदालत को मुहैया नहीं करा पाए। बीते साल दिसंबर में भी व्हाट्सएप को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। खगोल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सौर मंडल की तरह वातावरण वाले 3 नए ग्रहों की खोज की है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन तीनों ग्रहों पर जीवन की हो सकती है संभावना। 39 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित ये तीनों ग्रह आकार में पृथ्वी और शुक्र ग्रह के समान है। हिमालय में एक ग्लेशियर में 16 साल से बर्फ में दबे 2 अमेरिकी पर्वतारोहियों के शव मिले हैं। जाने माने पर्वतारोही एलेक्स लो और उनके कैमरामैन डेविड ब्रिजेस हिमालय में भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। ये दोनों 1999 में तिब्बत में 8013 मीटर ऊंची शिशपांगमा चोड़ी पर चढ़ रहे थे, तब ये हादसा हुआ था। लिसेस्टर ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। टोटेनहम के चेल्सी के साथ ड्रॉ हुए मैच के बाद 77 अंकों के साथ लिसेस्टर बना पहली बार चैंपियन, वहीं प्रीमियर लीग जीतने वाला बना छठा क्लब।